अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माइजा एंड मोहित व्लॉग्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर क्रीम जिसका नाम है सूडोक्रेम। अच्छा, तो ये मशहूर किस चीज़ के लिए है? बेसिकली इट्स एन एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम, लेकिन मशहूर ये है नैपी रैशेस के लिए, ठीक है। और इसमें देखें, सबसे नंबर वन टॉप पर भी नैपी रैश के बारे में ही लिखा हुआ है, बट इट हैज़ अदर बेनिफिट्स एज वेल। इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि एक्जिमा, जो स्किन पे ख़ारिश वगैरह होती है उसके लिए हेल्पफुल है। इट्स गुड फॉर सरफेस वॉन्ड्स, यानी कि आपको छोटे मोटे ज़ख्म जैसे लग जाते हैं आपको, बच्चों को, उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। सनबर्न, अगर कभी आपका रंग लाल हो जाए सूरज के तपिश से, उससे भी ये बचाता है। रेडनेस जहाँ पर हो जाए आप इसको लगा सकते हैं। फिर माइनर बर्न्स, अगर जल हल्का फुल्का जल जाए आपका हाथ पाँव कोई भी चीज़, और ख़ासतौर पर मैं तो इसको बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो उन को जो भी कुछ छोटे मोटे कट्स लग जाएं, बर्न्स हो जाएं, वूंड्स हो जाएं, तो मैं उसके लिए उनको ये ज़रूर लगाती हूँ। समटाइम्स एक्नी के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। मैं कभी कभी मुझे एक्नी हो जाती है तो मैं उसके लिए लगाती हूँ। तो ये होता है कि ओवरनाइट आपको रिज़ल्ट होता है, उसमें एक्नी बहुत बेहतर हो जाती है। फिर ये बेड सोर्स हैं, और फिर चिल जो है, दूसरे इस टाइप के मसले जो हैं, उन सब के लिए भी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल जो मेरे पास है ये 60 ग्राम का पैक है, और यहाँ डायरेक्शन लिखी हुई है कि अप्लाई अ थिन लेयर टू द स्किन एज रिक्वायर्ड, ठीक है। और नैपरेश में भी बहुत इफेक्टिव है, बच्चों को बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। अभी तो ये मेरी बिल बहुत पुरानी है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत थोड़ी सी रह गई है। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, अपनी एक्नी वगैरह के लिए भी, रैशेज़ के लिए भी, और जब उनको छोटा मोटा ज़ख़म हो जाता है या कुछ भी उनको इस तरह का इशू हो जाता है, कट शट लग जाते हैं, तो मैं उन ज़ख़मों पर ये लगा लेती हूँ। उससे बहुत जल्दी बच्चों को आराम आ जाता है, और ज़्यादा मुझे उसमें इशू नहीं होता कि वो गलता नहीं है, थोड़ा वो ज़ख़म जो है जल्दी भर जाता है उसमें, उस टाइप के जो हम ज़ख़म लग, जैसे अगर पुराना ज़ख़म हो जाए तो वो जिस तरह से गल जाता है पार्ट ऑफ बॉडी, इसको लगाने से वो चीज़ नहीं होती। तो बेसिकली ये इमीडिएट एक्ट करता है एज अ फर्स्ट एड, तो ये आप ज़रूर लगाएं। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ कर ली, और ये मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जस्ट इतनी रहेगी। और अभी मैं इसको रिसर्च कर रही हूँ तो ये मुझे मिल भी नहीं रही, अब तो ये इतनी ज़्यादा आ भी नहीं रही है क्योंकि बाहर की बनी हुई है ये कंपनी की। अच्छा, उसमें एक और रीज़न ये भी है कि जो अवेलेबल अभी आई हैं इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़े साइज़ में जार्स में हैं, तो ये ऑथेंटिक जगह से आप लें तो बेहतर होगा। अभी कुछ फार्मेसीज़ वगैरह पे भी हैं। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्योरीफाइड वाटर, लिक्विड पैराफिन, पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स, और माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स है, सोडियम बेंजोएट, और ये डिफरेंट आप देख लें, आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और इसमें जो है जिंक भी मौजूद होता है, जारी बात है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। मेरा चूंकि पैक पुराना है इसलिए यहाँ सबमिट किया था, तो मैंने आपको दूसरी पिक्चर दिखा दी जिसमें जिंक इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट। मुझे इसका सॉलिड रिव्यू यही देना है कि इट्स अ बेस्ट वन फॉर माइनर रेमेडीज, और आपके घर में एज अ फर्स्ट एड ये ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।